एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक डॉग को जो कि मर चुका होता है और उसी के साइड में रे होता है जो कि काफ़ी कम एज का होता है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और उसके सामने मेरी होती है जो कि उसे उठा रही होती है। वो कहती है कि उठ जाओ अभी खाना खाना है। यहाँ पे फिर यहाँ वो कहता है कि मुझे अभी सोने दो, मुझे अभी सोना है, मैं पूरी रात नहीं सो पाया ठीक से। यहाँ पे फिर काजुकी कहता है कि मेरी उसे जल्दी उठाओ, खाना ठंडा हो रहा है। जिसके बाद मेरी उसके पेट के ऊपर कूद जाती है और जिससे रे को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ पे फिर काजुकी कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया पर इतना भी नहीं करना था। जिसके बाद मेरी यहाँ पे चौकोज या जो भी कहो वो खाने लग जाती है और यहाँ पर रे को भी उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। काजुकी कहता है कि बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बच्चे हमेशा ये खाते ही रहते हैं। यहाँ रे कहता है कि सचमुच ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। काजुकी फिर कहता है कि आज मेरी शायद घर जा सकती है कि उसकी मॉम से हम बात करने जा रहे हैं आज। यहाँ पे फिर काजुकी मेरी को बनाना दिखाता है और वो कहती है कि बनाना बनाना मुझे चाहिए। काजुकी कहता है ये एक मॉन्की की तरह, इसे बनाना या फिर जो भी दो ये उसके ऊपर झपट पड़ती है। यहाँ पे फिर रे कहता है कि तुम श्योर हो इसे वापस भेजना सही रहेगा। काजुकी कहता है कि हम इसे नहीं रख सकते, हमें इसे वापस करना पड़ेगा, हम इसकी लाइफ डेंजर में नहीं रख सकते। जिसके बाद यहाँ पे मेरी को जब केले मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वही काजुकी रे को समझा रहा होता है ये दुनिया डार्कनेस से भरी हुई है, हमें इस डार्कनेस में जीना पड़ेगा। फिर काजुकी क्यू से मिलने के लिए चले जाता है। यहाँ काजुकी क्यू से पूछता है वो मिशन कैसा था। ये कहता है ये तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे बिजनेस में नहीं है। वो कहता है ठीक है। क्यू फिर काजुकी को वो चीज दे देता है जो वो मांग रहा था, यानी कि मेरी की इन्फॉर्मेशन। वो कहता है कि इसमें उस लेडी की पूरी इन्फॉर्मेशन है और इस एपिसोड का नाम है स्पेस ऑफ लाइफ। कुछ देर में हम देखते है कि मेरी जो है वो पार्क में खेलने लग जाती है। वही पे रे और काजुकी एक जगह बैठ के सोचने लग जाते हैं कि वो ये सब क्या कर रही है, शायद वो अपनी मॉम से ये सब सीखी होगी। काजुकी फिर रे को कहता है कि मेरी लाइफ सचमुच एकदम डाउन चली गई थी और आखिर में यहाँ आके रुक चुकी है। रे कहता है कि उसने अब तक काजुकी को ऐसा बात करते हुए कभी भी नहीं सुना। जिसके बाद यहाँ पे मेरी उसे यहाँ पे मिट्टी के बॉल्स खाने के लिए कहती है। यहाँ पे काजुकी कहता है कि मुझे नहीं खाना पर पापा के तौर पर उसे खाना पड़ता है। वो मजाक मजाक में खा लेता है और कहता है कि काफी ज्यादा डिलीशियस है। मेरी पब्लिक में इसे पापा पापा कह रही होती है तो काजुकी कहता है कि मुझे पापा मत कहो पब्लिक में, सिर्फ प्राइवेट में तुम पापा कह सकती हो। काजुकी फिर रे को कहता है कि उसके पास चाइल्डहुड की कोई मेमोरी नहीं है, जब वो मेरी एज का था उसके पास कोई भी फैमिली नहीं थी। यहाँ पे फिर मेरी को यहाँ पे शकरकंदी खानी होती है तो ये दोनों अब जाने से मना कर देते हैं पर इन दोनों में से किसी को तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें काजुकी जीत जाता है और रे को जाना होता है। बेचारा रे, बेचारे का बैड लक कभी खत्म ही नहीं होता। जिसके बाद रे मेरी को स्वीट पोटैटो दिला देता है। काजुकी फिर यहाँ पे मेरी को कहता है कि मुझे भी स्वीट पोटैटो चाहिए। यहाँ पे मेरी कहती है कि मैं लाई हूँ। जिसके बाद काजुकी कहता है कि मैं ड्रिंक लेके आया, तुम दोनों यहीं पे बैठो। पर यहाँ पे मेरी कहती है कि मुझे झूला झूलना है पर रे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जिसके बाद मेरी अकेले ही झूलने लग जाती है पर यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन स्क्वाड आ जाता है, वहाँ का एक मेंबर होता है जो कि कहता है कि बच्ची तुम अकेली हो क्या, तुम्हारे पिता कहाँ पे है। यहाँ पे फिर उस आदमी से पूछता है यानी कि रे से। यहाँ पे वो कहता है कि मैं उसका फादर नहीं हूँ। यहाँ पे फिर वो कहता है कि इसका फादर कहाँ पे, पर उतने में काजुकी यहाँ पे आ जाता है और कहता है ये मेरी बेटी है। जिसके बाद वो कहता है कि सचमुच ये आपकी बेटी है। काजुकी फिर मेरी को कहती है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ ना, मुझे पापा तो कहो। मेरी यहाँ पे कुछ कह नहीं रही होती है तो काजुकी अपना कान आगे करता है। मेरी उसे कहती है कि आपने तो कहा था कि मुझे पब्लिक में आपको पापा नहीं कहना है। जिसके बाद वो उसे पापा कह देती है फाइनली। यहाँ पे फिर वो आदमी साइड हट जाता है और ये दोनों यहाँ से किसी तरह निकल जाते हैं। काजुकी फिर मेरी को समझाता है कि पब्लिक में जब ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे पापा कह सकती हो पर ऐसे ही नहीं। यहाँ पे ये कहती है कि मैं रे को भी अपना पापा कह सकती हूँ। ये कहता है हाँ। यहाँ पे फिर रात हो जाती है और मेरी यहाँ सोने लग जाती है तो काजुकी कहता है कि जल्दी सो जाओ नहीं तो घोष रह जाएगा। पर मेरी दूसरे बच्चों से नहीं थी, ये कहती है कि मुझे घोष देखना है। और यहाँ पे वो फिर रे के रूम चले जाती है पर वो देखते हैं कि रे के बेड में तो रे है ही नहीं। जिसके बाद वो वॉशरूम चले जाती है, उसे पता होता है कि रे बाथरूम में ही सोता है और वो उसे ढूंढ लेती है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। रे कहता है कि मैं यहीं पे सोता हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे मुझे अच्छा फील होता है। मेरी कहती है कि आपको क्या घोर से डर नहीं लगता, तो यहाँ पे रे कहता है कि मुझे सिर्फ सोना है, मुझे घोर से डर नहीं लगता। यहाँ पे मेरी फिर कहती है कि मैं भी यहाँ पे सो जाती हूँ, मैं अकेले तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्या पता तुम्हें कोई भूत ले जाए। और मेरी यहीं पे सो जाती है। ये देख के कि मेरी यहाँ पे सो गई है, रे यहाँ से उठ जाता है और अपने काम पे लग जाता है। वही काजुकी लैपटॉप में मेरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और उसकी मदर की भी। और ये लोग अगले दिन मेरी को पूरी तरह पैक करके और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मम्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद ये लोग पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं।
यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम बीच में रुक सकते हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पर रे कहता है मुझे कोई भूख नहीं है, हम जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कुछ देर बाद यहाँ पे ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर काजुकी कहता है कि मैं इसकी मम्मा से मिल के आया, तुम यहीं पर रुको, मेरी के साथ खेलो। जिसके बाद काजुकी उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर मेरी की मदर काम करती है एक बार में। यहाँ पे मेरी कहती है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, मुझे खेलना है। वही हम देखते हैं मेरी की मदर को जो कि एक बार में गाना गा रही होती है। उसके सामने काजुकी आ जाता है तो वो पूछते हैं उसे क्या चाहिए, पर उतने में उसका लवर उसे चाटा मार देता है और काजुकी गुस्से में आके उसे और एक और पंच मार देता है। जिसके बाद वो कहते तुम हो कौन, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। यहाँ काजुकी काफी ज्यादा बैटल में अच्छा होता है तो उसे बुरी तरह मार के यहाँ से भगा देता है। पर यहाँ पे मेरी की मदर ही काजुकी को उल्टा चाटा मार देती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मैन को हाथ लगाने की। काजुकी कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ पे वो कहती है मेरे साथ आओ यहाँ बैठ के बात करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मीरी को जो कि झूला झूल रही होती है तो रे को वो धक्का देने के लिए कहती है और रे धक्का भी दे रहा होता है। जिसके बाद मीरी कहती है मेरे साथ अगले झूले में चलो। जिसके बाद रे कुछ कर भी नहीं सकता था, वो मीरी के साथ खेलने लग जाता है और यहाँ पे रे को भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे सारी मदर रे को देखती है तो वो सोचती है कि ये उसकी फादर है और यहाँ पे रे को भी वो चीज़ करना पड़ता है जो फादर करते हैं। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि मीरी कहती है कि मुझे काफी अच्छा लगा। रे फिर पूछता है कि पापा का मतलब क्या होता है। मीरी कहती है कि पापा वो पर्सन होते हैं जो कि आप जब भी प्रॉब्लम में हो वो हमेशा आपको बचाने के लिए आ जाते हैं। वहीं पे हमें रे का पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पिता उसे हमेशा टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं और रे को मारने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मरो या मारो ये दो चीज तुम्हारे पास है। यहाँ पर रे अपने फादर को पिता कहता है तो कहते हैं कि मुझे बॉस कहो ना कि पिता, जिससे हम समझ सकते हैं कि रे का बचपन कैसा होगा। कुछ देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे मीरी गायब हो जाती है तो रे फिर उसे ढूंढने के लिए चले जाता है। वहीं पे हम देखते हैं काजुकी जो कि मीरी की मदर से बात करने चले जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक बच्चा है जो कि मेरे साइड है, मैं तुम्हें वापस करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे ये कहती है कि वो उसे वापस क्यों करने आए हो, तुम उसी के इंसान हो ना, तुम मुझे पैसे देने आओ ना, मुझे सिर्फ पैसे दो और चले जाओ और उस बच्चे को अपने पास रखो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी जिंदगी में सिर्फ बैड लक लाई है और मुझे वो बच्ची कभी चाहिए नहीं थी। यहाँ पे ये कहता है तुम्हारा मदर का रोल है, तुम्हें पूरी तरह उसे फुलफिल करना चाहिए। ये कहती है कि मेरा कोई मदर का रोल नहीं है, उस बास्टर्ड ने मुझे धोखा दिया। काजुकी उसे समझाता है कि पेरेंट्स का काम ही होता है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना। यहाँ ये कहती है कि पेरेंट्स कौन सा पेरेंट्स, उस बच्ची की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद होगी। काजुकी कहता है कि पेरेंट्स इसलिए होते हैं कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके बच्चों का देखभाल करे। ये कहती है वो बच्ची मेरी कोई नहीं लगती, जब से वो मेरी जिंदगी में आई है वो मेरे साथ बुरा कर रही है, मेरा पूरा बैड लक चल रहा है, मैं एक बच्ची को नहीं पाल सकती। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाता है। वहीं पर हम देखते हैं रे को जो कि मीरी को ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि मीरी पुलिस वालों के साथ है और वो छुप जाता है। इन सबको लगता है कि मीरी कोई लापता बच्ची है जिसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से पुलिस वाले उसे ले जाने लग जाते हैं और रे ये सब देख रहा होता है। मीरी कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने पापा के पास जाना है और वो अपने पापा को बचाने के लिए कहती है। रे को फिर वो बात याद आती है जो कि मीरी ने उसे कही थी कि फादर हमेशा आपको बचाने के लिए आते हैं। वो अपने फादर को देखता है और वो मीरी को देखता है जो कि एक इंटेलिजेंट किड होती है। जिसके बाद वो मीरी को यहाँ बचाने के लिए चले जाता है और वो कहता है कि मैं उसका फादर हूँ, उसे छोड़ दो। मीरी फिर फाइनली रे को अपना फादर कहती है और कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। जिसके बाद काजुकी का मन एकदम दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी मदर ने एकदम अजीब से बिहेव किया होता है। यहाँ पे फिर वो सोचता है कि मीरी को उसे अकेले ही पालना पड़ेगा क्योंकि मीरी की मदर बिल्कुल किसी काम की नहीं है, चाहे वो ब्लड रिलेटेड हो या ना हो, पर मेरी से इन दोनों का अब लगाव हो गया है तो ये इसको अब छोड़ भी नहीं सकती। जिसके बाद यहाँ पे ये डिपार्टमेंट स्टोर से हैमबर्गर ले आता है जो कि मेरी की मामू से खिलाया करती थी। मेरी फरियास तैयार हो जाती है सोने के लिए तो फिर यहाँ पे वो कहती है कि इन दोनों को अब इसके साथ सोना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों सो जाते हैं पर मेरी एकदम फैल के सो जाती है तो बेचारों को जगह नहीं मिलती और जो कहानी टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड ऐसी मैं वीडियोस लाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और वो भी जल्दी आएगी।